We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, in our constituent assembly, this twenty-sixth day of November, nineteen forty-nine, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Hello, guys! Welcome to our channel, Mr. Sunlight. Or Sunlight K is betherein aur khas episode mein aap sabhi ka आज हम दोस्तों बात करेंगे प्रेमबल यानी प्रस्तावना के बारे में तो दोस्तों अभी आपने सुना होगा एक क्लिप तो उसमें आपने महसूस किया होगा कि आपको एक जोश आ गया होगा अंदर एक ऊर्जा भर गई होगी आपके अंदर उत्साह भर गया होगा वो सब क्यों है उसके अंदर एक ऐसे वर्ड्स हैं शब्द हैं उसके अंदर ऐसे जो कि आपको ऐसा कराने में मजबूर कर देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा जो भारत का संविधान है उसके अंदर एक पार्ट है प्रेम प्रस्तावना तो आज उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि अगर आपसे किसी ने चलती राह में ये पूछ लिया ना दोस्तों कि भैया बताना जरा सा संविधान क्या कहता है हमारा कानून क्या कहता है या फिर उसके बेसिक फंडामेंटल इश्यूज़ थोड़ा से बता दीजिए क्या क्या है उसके तो आप थोड़ा सा ऐसे पहुँचक के रह जाओगे और आप पीछे सो जाओगे ऐसे यार क्या बोल दिया इसने मतलब आप इंडिया में रहते तो हो क्या आपको थोड़ा बहुत कानून के बारे में पता है थोड़ा बहुत जो प्लेज जो होती है उसकी उसके बारे में पता है तो उसके बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे ताकि आपसे कोई ऐसी सड़क पर चलते हुए पूछ ले अगर कल के दिन मान लीजिए कोरोना वायरस लॉकडाउन खत्म हो जाएगा आराम से यार उसके बाद पूछ ले गोई तो फिर आप झिझकोगे नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ आप ही पूछना इसके वीडियो के बाद आप पूछना दूसरों से कंस्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है दोस्तों लेकिन ये छोटा सा सवाल जरूर पूछ सकते हैं क्या क्या हमें देता है कंस्टिट्यूशन प्रेमबल में ही सब कुछ बता दिया थोड़ा बहुत तो कि बेसिक है क्या एक स्ट्रक्चर क्या है नेचर क्या है हमारे कंस्टिट्यूशन का लेट्स स्टार्ट नाउ तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के बाद थोड़ा जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो कि गाइडलाइन इशू करता है एक फ्रेमवर्क बनाता है कि आपके क्या काम होंगे आपके क्या राइट्स होंगे आपकी क्या ड्यूटीज होंगी देश के लिए तो वो सब कुछ है कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा ये सुप्रीम लॉ है सबसे बड़ा लॉ है कानून है बस ये इसके अलावा कुछ और नहीं इससे बड़ा कुछ और नहीं है ठीक है ना देश के लिए ये देश को रूल करेगा इसमें अमेंडमेंट्स भी होते हैं ऐसा नहीं कि कभी कभार अगर कुछ गलत हो तो अमेंडमेंट्स भी होते हैं हमारे लोकसभा राज्यसभा से तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रेमबंद एक ऑब्जेक्टिव विच बीन ड्राफ्टेड एंड मूवड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाई जवाहरलाल नेहरू ऑन थर्टीन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स इसको प्रेमबल शब्द लाया गया यूएसए यूएस ए लाया गया मानिए यूएसए लाया गया प्रेमबल शब्द जिसको जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब बनाया था कंस्टिट्यूशन असेंबली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो उसकी जगह प्रेमबल शब्द का यूज करने लग गए प्रस्तावना ठीक है ना दोस्तों आगे बढ़ते हैं फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट जो कि एटीन दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी सिक्स को हुआ था ड्यूरिंग द इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम पर तो इसमें क्या हुआ कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड न्यू इंट्रोड्यूस कराए गए किसके बीच में थे वो सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक के बीच में दो शब्द इंट्रोड्यूस कराए गए सोशलिस्ट एंड सेकुलर और उसके बाद यूनिटी ऑफ द नेशन को भी चेंज करके क्या किया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन तो दोस्तों मेरा नाम है पवन चंद्रा और आज मैं आपके लिए ये सब कुछ ला चुका हूं तो लेट स्टार्ट नाउ प्रेमबल जो आपने देख लिया होगा सुन लिया होगा वापस आप थोड़ा देख लीजिए <laughs> बदलेगा तो थो नहीं थोड़ा देख लीजिए थोड़ा बहुत वर्ड्स देख लीजिए जैसे जस्टिस हो गया लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेंटिनिटी और इन सब चीज़ों के बारे में आपसे मैं आप आगे बात करने वाला हूँ थोड़ा सा एक वो विस्तारपूर्ण तो बातें करूंगा ये जो वर्ड्स बोल्ड में लिखे लिखाई दिए मैंने आपको वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊँगा थोड़ा उनका मीनिंग क्योंकि कल आपको कोई पूछ ले यार है ना तो आप सनलाइट के सब्सक्राइबर हो यार इतना धर्म तो हमारा बनता है कि आपको कुछ ऐसी चीज दिखा दें कि लॉकडाउन के बाद आप थोड़ा एक अपना लेवल बना के चलो सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेम्बल थोड़ा प्रेम्बल का सिग्निफिकेंस बता देते हैं प्रेम्बल एक पार्ट है इंस्टीट्यूशन का इसे हम अम एमेंड कर सकते हैं ठीक है ना और इसका जो फिलोसफी इसके अंदर आता क्या है क्या बताता है ये बताता है कि हमारा संविधान दिखेगा कैसे भैया हमारा संविधान दिखेगा कैसे अरे भाई आगे वाला पढ़ने वाला क्या सोच के पड़ेगा इसे भाई तुम ऐसे छाप छोड़ोगे जैसे यूट्यूब में थमनेल बनाते हैं तो थमनेल से आप आकर्षित होते हैं फिर आप आगे पढ़ते हैं ना यूट्यूब की वीडियो देखते हैं तो वैसे ही दोस्तों एक थमने जैसा मान लीजिए कि आपको इसको देखने के बाद आपको बोले हाँ ऐसा ऐसा कुछ होगा हमारे संविधान में तो हमारे संविधान में दोस्तों बहुत सारे पार्ट हैं बाईस पार्ट हैं वैसे तो आप पच्चीस हो गए अमेंड करते करते और उसके बाद अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं उसके अंदर थ्री नाइन्टी फाइव और उन्हें भी अमेंड करते करते फोर फोर्टी एट हो गए हैं और और कुछ उनके उनके बीच में क्या है शेड्यूल्स हैं अनुसूची जिसे कहते हैं तो वो आठ थे अब वो भी बारह हो गए हैं तो वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और ये प्रेमबल बताता है कि कैसे दिखेंगे ये सब चीज़ें ये सब चीज़ों के अंदर बेसिक जो होगा ना जो सीमेंट डाला जाएगा बेसिक जो मटेरियल होगा जो पूरा घर बनेगा उसका बेसिक जो मटेरियल होगा वो सब बताता है हमारा प्रेमबल ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं पहले आता है सोवरेनिटी तो सोवरेनिटी जो है वो हमें बताता है कि हाँ हाँ इंडिया इंडिया की गवर्नमेंट ही इंडिया का रूल करेगी भैया कोई बाहर वाला नहीं आएगा या बाहर वाला अगर आने की कोशिश भी करेगा ना तो नहीं कर पाएगा देखिए लिखा हुआ बींग अ सॉवरेन स्टेट इंडिया कैन आइदर अक्वायर अ फॉरन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स सेट्री इन फेवर ऑफ फॉरन स्टेट और ये अप्लाई क्या करता है डिपेंडेंस नॉट ऑन अ डोमिन ऑफ एनी अदर नेशन ब्रिटिश रूल ने हमें शासन किया उनका शासन नहीं चलेगा अब अब किसी का शासन नहीं है हमारा देश बोलेगा हमारे जनता किसी को चुनेगी वो सरकार चलाएंगे और कोई अलग आके हमारे ऊपर हुक्म या रूल नहीं करेगा अपने डिसीजन हमारे ऊपर अपने ऊपर हमारे ऊपर रखेगा नहीं कि आपको यही करना चाहिए नहीं वो हमारी गवर्नमेंट होगी जो हमारा काम हाँ ये सारे काम करेगी और आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये तो पहला पार्ट था फिर आप पिक्चर में देख रहे होंगे अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि सोशलिस्ट हो अपने बारे में ना सोचे कैपिटलिज्म के बारे में ना सोचे कि हाँ यार बिल्कुल एक तरीके से कैपिटलिज्म नहीं कहूंगा लेकिन एक तरीके से ऐसे, ऐसे कहूंगा कि कुछ एक वर्ग के बारे में ना सोचे कि इसी वर्ग को जो है सारी पूंजी मिलनी चाहिए या फिर एक तरीके से मान लीजिए वो काम किसके लिए करेगी पब्लिक के लिए काम करेगी आपने कभी कर बार ऐसी लेमन लैंग्वेज आम भाषा में कहता हूँ तो गवर्नमेंट की जब भी कोई आप चीज़ देखते हैं तो वो पब्लिक के लिए होती है वो प्रॉफिट के लिए नहीं होती है प्रॉफिट के लिए बहुत कम होती है पब्लिक के लिए ज़्यादा होती है कि पब्लिक को क्या सर्विस मिल रही क्या सर्विसेज मिल रही हैं है ना तो वो है हमारा सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट ठीक है ना दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो सेकुलरिज्म इन इंडिया सेकुलरिज्म इसका अगला पार्ट है सेकुलर मतलब कि धर्मनिरपेक्ष किसी एक धर्म को हम फॉलो नहीं करेंगे ना हिंदुत्व को ना हिंदुत्व हिंदू को यानी कि ना हम हिंदू धर्म को फॉलो करेंगे ना मुस्लिम को करेंगे ना ईसाई और बुद्धिज्म किसी को भी नहीं करेंगे हम एक सेकुलर हैं हम सबको मानेंगे हमारे इंडिया में सबको प्रैक्टिस करने की अनुमति है कि आप अपने किसी भी धर्म को आपका जिसमें मन लगता है आप जिसको चाहते हैं आप फॉलो कर सकते हैं कोई ज़ोर जबरदस्ती नहीं है कि हाँ यार आपको ये करना है और ना हम से पाकिस्तान की तरह या फिर ऐसी कंट्रीज की तरह हैं जो कि सेकुलर नहीं है जिनमें अपने जैसे इस्लामिक मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि मुस्लिम कोई अपना एक रिलीजन मानती है कि उसी पे उनके आ, सारे रिलीजन राइट्स होते हैं तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों डेमोक्रेटिक आपने वर्ड तो यार सुना ही होगा बचपन से मतलब अकड़ में नहीं कभी एक होता कि भैया मैं डेमोक्रेटिक कंट्री है मैं कुछ भी कहूंगा या फिर वैसा कुछ होगा तो डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ताकत है कि आपकी गवर्नमेंट होगी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल तो ये आपने सुना होगा ना सिक्स सेवन्थ क्लास में सुना होगा तो यही चीज बताती है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी या फिर हमारा जो संविधान में प्रेमबल है वो बताता है कि ऐसा हमारा होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये होना चाहिए तो उसके बाद इसके अंदर एक चीज आप गौर करें देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पीरियोडिक इलेक्शन रूल ऑफ लॉ कानून का ही रूल होगा ना आपकी हेकड़ी नहीं चलेगी मेरी हेकड़ी नहीं चलेगी अकेले की या फिर किसी एक बंदे की हेकड़ी नहीं चलेगी या मोनार सिस्टम नहीं होगा कि भाई राजा ही होगा कि राजा ही जो डिसीजन देगा ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा है ना ऐसा कुछ नहीं होगा तो होगा क्या कि हम लोग अपने नेताओं को चुनेंगे और नेता आके हमारा रिप्रेजेंटेटिव रे, रेटेटिव बनेंगे कि हमें क्या चाहिए वो हमारी सर्विसेज को सुनेंगे और ऐसी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे हमारे लिए वो सब हमारे लिए करेंगे पब्लिक के लिए करेंगे वैसे सब कुछ लिंक करता हुआ चलता है इसके अंदर पेयम्बल के अंदर हर एक वर्ड आप, आपको लगेगा कि हाँ ये वर्ड तो ऐसा लिंक कर रहा है दूसरे वर्ड से आगे बढ़ता हूँ दोस्तों ये दो व्यक्तियों की आप फोटो देख रहे होंगे हमारे प्रेजिडेंट हैं ऑनरेबल प्रेजिडेंट और एक वाइस प्रेजिडेंट है वैन नायडू और ऑनरेबल प्रेजिडेंट डॉ रामनाथ कोविंद तो रा, तो ये सब क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि ये किसी इनके पापा भी प्रेसिडेंट थे ऐसा तो नहीं है या इनके मम्मी प्रेसिडेंट थी ऐसा तो नहीं है ऐसा ऐसा नहीं होगा ऐसा क्या होना चाहिए होना क्या चाहिए कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम लोग चूज करेंगे हम सिटीजन पहले हम अपने नेताओं को चूज़ करेंगे और नेता असेंबली में ने बैठ पार्लियामेंट में बैठ कर, फिर प्रेजिडेंट को चूज करेंगे क्योंकि आज राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा इसका मतलब साफ ये है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ता हूं दिख रहा है पहचान में आया काफी मूवीज में आपने देखा होगा होल्ड होल्ड ऐसे करके बोलते हैं ना वही यही है यह। और फिर आपको तराजू पे दिख रहा होगा इक्वालिटी जस्टिस ये सब बताने वाला कि जस्टिस होगा किसका जस्टिस किस 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 बीच में जस्टिस होगा सोशल जस्टिस होगा ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट कलर रेस रिलीजन सेक्स एंड सो ऑन कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सबको न्याय मिलना चाहिए अगर किसी ने क्राइम किया है किसी के लिए विक्टिम बनाया तो उसको न्याय मिलेगा और जो छोटे वर्ग हैं जो बैकवर्ड क्लासेस हैं एस सी एस टी ओ बी सी और वुमेन जो कि महिलाएं हैं उनको ऊपर लाने के लिए लेवल बनाने के लिए जो मेंस के साथ हैं या फिर ये मान लीजिए कि जो एस सी एस टी ओ बी सी अदर क्लासेस के साथ उनको एक इक्वल राइट और इक्वल न्याय देने के लिए जस्टिस का भी अनुपालन होगा हम पालन करेंगे उसका आगे बढ़ते हैं ये आपने फोटो देखी ना दोस्तों ये फोटो थी किसकी लिबर्टी लिबर्टी हम बिल्कुल एक छूट मिलेगी हमें हमारी लिबर्टी होगी हम सोच सकते हैं हमारी मर्जी हम क्या सोचें हमारी मर्जी कि हम क्या सोच रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं हमारा मर्जी हमारी क्या एक्सप्रेशन होंगे हम कैसे भाव से प्रकट करते हैं अपने आप को तो इसमें किसी के ऐसे बंदिश नहीं है कि यार हम ऐसे पकड़ लिए अब तू अब तू हम, हम हमारी मर्जी तू ये क्या करेगा तू ये, ये करेगा ऐसा नहीं लिबर्टी है दोस्तों आपकी लिबर्टी है आप क्या करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है दोस्तों इक्वालिटी इक्वालिटी बहुत जगह हो सकती है देखिए लिखा होता है टर्म इक्वालिटी मीन्स द एबसेंस ऑफ स्पेशल प्रिवलेजेस कि किसी एक समाज को कुछ ऐसे प्रिवेजेस नहीं मिलेंगे समझ लीजिए आपके एक ऐसे तमके को जैसे एंशियट हिस्ट्री में अगर इंडिया में देखें तो कुछ एक ऐसे वर्ग को ही स्पेशल चीज़ें देती जैसे कि क्षत्रिय और ब्राह्मण से ले सकते थे एजुकेशन ऐसा नहीं होगा हर किसी को इक्वालिटी होगी मेल फीमेल में इक्वालिटी होगी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो वो सब है इक्वालिटी के अंदर दोस्तों फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी आपको बताता है कि आपकी डिग्निटी क्या है देश के अंदर आपकी एक अपनी पहचान होगी इंडिविजुअल आपको कोई ऐसे हार्म नहीं करेगा मॉलिज नहीं कर सकता आपको ऐसे ही मतलब एक तरीके से अगर आपको चिड़ा दिया गया या फिर एक तरीके से आपकी इंसल्ट कर दी गई ह्यूमटेरियन राइट्स के अंदर तो वो बिल्कुल अमान्य होगा और आप अपने आप को एज एन इंडियन देखेंगे यानी कि एज इंडियन कंट्री आप अपने आप को बताएंगे कि हम हाँ, यूनिटी में विश्वास रखते हैं इस डाइवर्सिटी वाली कंट्री में हम विश्वास रखते हैं तो ये फ्रेटर्निटी था तो यही था दोस्तों प्रेमबल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ली वैसे तो कोई खास चर्चा ऐसी नहीं थगी कि आप नहीं कर सकते थे लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि प्रेमबल हमारा वो चीज़ है देखिए अब संविधान को हर कोई नहीं पढ़ सकता हर कोई अब एल एल नहीं कर सकता मान रहे ना कि पर संविधान करके आप एल इन द सेंस कि आप संविधान पढ़ के पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए मज़ेदार बुक है आपके बताएगी आपको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज होगी लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत ही पढ़ना है टाइम कम है थोड़ा बहुत भी समझना है तो बेसिक प्रिंसिपल जो है उसके उसके जो ऑब्जेक्टिव अब्जक्टि, हैं उनको समझने के लिए प्रेमबल इज मस्ट तो अब अगर किसी दिन आपको रोड में कोई मिल गया बस में कोई मिल गया ट्रेन में मिल गया फ्लाइट में मिल गया कोरोना लॉकडाउन के बाद तो आप ये बोलेंगे कि यार हमने मिस्टर सनलाइट चैनल ने बता रखा है कि प्रेमबल क्या है या हमने पढ़ रखा है है ना तो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं रेगुलर मेम्बर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं उनसे कहता हूँ और जो नए आ रखे सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ऐसी वीडियोस हम लेते रहते हैं आपके लिए और अवेयरनेस फैलाते हैं पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं आज के इस माहौल में थोड़ा सा अच्छा नहीं है लेकिन अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पॉजिटिव न्यूज़ देते रहें हर चीज के बारे में साइंस हो टेक हो थोड़ा बहुत ही कंस्टिट्यूशन का ही देख लीजिए तो ऐसी न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ मिस्टर सनलाइट चैनल साइनिंग ऑफ नाउ थैंक यू